पाकिस्तान के तालिबान पर आरोपों के बीच अब एक और बड़ा युद्ध होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। खबरों की माने तो पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान के कई ठिकानों को तबाह किया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर TTP आतंकियों के ठिकानों पर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो इसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कमांडर के घर को भी निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान जिलों के साथ सीमा से लगे खोस्त और पकिख्ता प्रांत में स्थित दो अलग अलग क्षेत्रों में ताबड़तोड़ हवाई हमले हुए हैं। पाकिस्तान की कार्रवाई वजीरिस्तान इलाके में आतंकी हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के बाद हुई। बता दें पाकिस्तान में आतंकवाद चरम पर है। पाकिस्तान में आतंकवादियों के निशाने पर पाकिस्तान की जनता से ज्यादा पाकिस्तान की सेना है। यही कारण है कि पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार हमले हो रहे थे। अब इन सब से परेशान आकर पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान के ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के इस कदम के बाद तालिबान चुप बैठेगा, क्योंकि तालिबान भी अब ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में नजर आएगा। अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर की गई पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद तालिबान का भड़कना तय माना जा रहा है, खास तौर पर जब दोनों के रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं चल रहे और सीमा समेत कई मुद्दों पर विवाद बना है। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान राज को भरोसे में लिए बिना पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक करना निश्चित ही मौत को दावा देना जैसा है। अफगानिस्तान मीडिया आउटलेट खुरासन डायरी ने एक वरिष्ठ सूत्र के हवाले से बताया कि हमले में 2 अलग अलग स्थानों को निशाना बनाया गया था, जिनमें पकिख्ता प्रांत में लामन और खोस्त में पासा शामिल है। सूत्रों की माने तो पकिख्ता प्रांत के लमान में TTP कमांडर अब्दुल शाह के घर को निशाना बनाया गया था। कमांडर अब्दुल शाह को टोपगर के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणी वजीरिस्तान के ऊपरी हिस्से में शक्तोई का निवासी है। फिलहाल पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक के बाद ना तो अफगानिस्तान में तालिबान राज इससे शांत बैठेगा और ना ही आतंकवादी संगठन TTP, जिस पर पाकिस्तान आतंकी हमलों को अंजाम देने का आरोप लगाता है। निश्चित इसके बाद तालिबान भी पलटवार करेगा और हो सकता है कि इसके साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध भी छिड़ जाए। आपको क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।